खान पान, होटल में हमें भी भोजन करना पड़ता, मेरी नहीं इच्छा होती, मेरी इच्छा होती है कि चने खा लूँ और कुछ फल खा लूँ, लेकिन पाचन तंत्र ऐसा नहीं है कि मैं सूखा भोजन कर सकूँ, समस्या है मेरे सामने। वर्षों नहीं खाया जा मैं ठीक था, एक अगर कोई जबरदस्ती मुझे मिठाई भी खिला देता तो 500 रुपया दंड लेता मैं, तो कोई मिठाई देने की कोशिश करता तो मैं कहता था 500 रुपया और दो, ताकि वो मुझे दंड किसी को दान देना पड़ेगा, तो कहता नहीं नहीं अपने मिठाई नहीं खिलानी। अब किसी ने कमेंट किया क्या कभी कभी मिठाई खा सकते हैं, वो कल का वीडियो सुन के किसी ने कमेंट किया क्या कभी कभी मिठाई खाई जा सकती है। मिठाई खाना ऐसा बुरा नहीं है, पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए, बाजार का तो नहीं खाना चाहिए, आपातकाल को छोड़ के बाजार का नहीं खाना चाहिए। आज हमारे देश की ये दुर्दशा है कि कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं मिलती, तो बाजार से आपने अगर मावे की मिठाई खाई है तो क्या आपको ध्यान है कि वो शुद्ध है कि नहीं है, क्या वो सिंथेटिक तो नहीं है, जो मीठा डाला है वो कैसा है, चीनी चीनी नहीं ठीक है। इसलिए आपातकाल के अतिरिक्त बाजार की मिठाई नहीं खानी चाहिए। और जिनका पेट अच्छा है कोई कठिनाई नहीं है, अच्छा मिठाई खानी क्यों पहले ये बताइए, पेट भरने के लिए तो दूसरी चीजें हैं, और कभी कभी खाने में आ भी गई तो फिर ऐसे प्रायश्चित कर लो, ज़्यादा खा गए, मिठाई खाते हैं ना तो ज़्यादा ही खा जाते, कोई भी स्वादिष्ट भोजन हो तो एक समय उपवास कर लीजिए तो स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा। मैं नहीं कहता कोई प्रेम से खिला रहा अपमान करो उसका, तो उसका दंड भी ले लो, मिठाई भी खा ली और रोटी भी उतनी खा ली, वो तो ठीक नहीं, कैलोरी का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, नहीं डायबिटीज होगी। डायबिटीज मिठाई से नहीं होती है, डायबिटीज कैलोरी की मात्रा अधिक हो उससे होती है। डीसा में डॉक्टर हैं, डॉक्टर जितेंद्र नागर जी जो मिले थे ना आबू में, वो डायबिटीज के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। मैं डॉक्टर वसंत जी को लेके गया तो तब उन्होंने ये बात बताई थी कि डायबिटीज का अर्थ ये नहीं कि मिठाई खाने से, कैलोरी ज़्यादा खाएंगे तो होगी और उसको पचाएंगे नहीं कैलोरी को, तो उन्होंने कहा आप गुलाब जामुन खानी तो एक रोटी बंद कर दो, कम खाओ, पर जो भोजन में रोटी गिनी जाती है बाकी चीज़ नहीं गिनी जाती, बाकी कितना ही खा लो कि रोटी तो दो ही खाइए, भले ही रसगुल्ले 50 खा लिए पर रोटी दो बताएंगे, दो रोटी खाई, तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचारी क्या रहेगा, स्वस्थ भी नहीं रहेगा, बीमार होगा। इसलिए काम पर नियंत्रण करने के लिए अन्य इंद्रियों पर नियंत्रण करना ही होगा, कोई विकल्प नहीं। आज के वातावरण में तो भोजन भी राजसी तामसी है, क्योंकि सब में केमिकल डाला हुआ है, वो हमारे हाथ में नहीं है। अगर बिना केमिकल का मिलता है तो प्राथमिकता उसको देने चाहिए, भले वो अधिक मूल्य दे करके लेना पड़े, अगर रोगों से बचना है ब्रह्मचार्य का पालन करना है। और सब उपासना, संक्षेप में उपासना, विषयों का चिंतन न करना, मन में विचार उठे तो उन्हें मन को दूसरी तरफ मोड़ने का प्रयास करना, ठंडे पदार्थों का सेवन, गर्म पदार्थों का सेवन न करना, कम करना, गर्म का मतलब ये नहीं गर्म पानी, गर्म कर दो उष्णता शरीर में प्रदान करते, वो सात्विक भोजन का करना, सात्विक चर्चाएं करना, स्वाध्याय करना, कोई स्वाध्याय करना ही नहीं चाहते, कान दिए हमें परमात्मा ने कि अच्छी बातें सुने, पर इसके लिए समय नहीं, गप मारने के लिए समय, और बाकी संसार में जाओ तो पता नहीं क्या क्या गालियां, क्या क्या करने का समय है। आंख दी कि हम अध्ययन करें, देखें, पुस्तकों को पढ़ें, नहीं पढ़ते, उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, तो हर इंद्री को सम अवस्था में रखें, शांत संतुलित, हर इंद्री अपने नहीं एक दूसरे से भी तालमेल हो, और सबका तालमेल सबका नियंत्रण बुद्धि से हो, लेकिन बुद्धि भी जिसकी खराब हो तो
महर्षि दयानंद जी ने जो लिखा है कि हर व्यक्ति का आत्मा सत्य असत्य को जानने वाला है, लेकिन सबसे पहले किसके कारण असत्य और झुक जाता है? अविद्या के कारण। सबसे पहले अविद्या। कोई कहा हमें तो पता ही नहीं था, नहीं पता तो बिजली का तार छूएगा तो बिजली करंट तो मारेगी, वो थोड़ी कहेगी इसको पता नहीं इसको करंट नहीं लगना चाहिए। पता नहीं था, पता करना चाहिए, स्विच ऑन है कि ऑफ है ये पता करना चाहिए। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए पढ़ने पता करने के लिए बहुत सारी पुस्तकें, लेकिन कहां किसका अवकाश है पुस्तक पढ़ने? अखबार में जितना समय लगता है उससे उतना समय अगर किसी अच्छे ग्रंथ में लगा दें, आध्यात्मिक ग्रंथ में, तो हमारा जीवन बदल जाए। रोज पढ़ेंगे, मान लीजिए रोज पढ़े, आधा घंटा ही पढ़े आध्यात्मिक ग्रंथ, तो मन के विचार बदले। ऐसा मैं नहीं कह रहा अखबार नहीं पढ़ना चाहिए, मैं भी देखता हूं, विशेष घटनाएं होती है उनको देखता हूं, अब देखने की इच्छा भी कम होती है क्योंकि जो भी घटनाएं घट रही हैं दुर्भाग्यपूर्ण ही घट रही है, लेकिन उनकी जानकारी होनी चाहिए कि हम उस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन एक एक अक्षर पढ़ के समय खराब करना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। मोबाइल में समय खराब करके बुद्धिमानी नहीं है। हम अपने कमरे में हर वस्तु को सजा करके रखते हैं, जो अच्छे मतलब जो अब सभी तो संभाल के नहीं रखते। किसी का घर जाओ तो कहीं कुछ पढ़ा है, कहीं कुछ पढ़ा है, किसी की किताबें कहीं पढ़ी हैं, बर्तन कहीं पड़े हैं। ऐसा रसोई के बारे में ऋषि आनंद का मियाँ जी की हांडी, मियाँ जी की रसोई, कहीं हांडी पड़ी है, कहीं कुछ पड़ी है, कहीं कुछ पड़ा है, लेकिन कईयों के व्यवस्थित होते। आजकल के बच्चे बच्चियां बालों को संभाल के रखेंगे, कपड़े संभाले हुए अच्छे पहनेंगे, पैंट पे कोई दाग नहीं लगे, शर्ट पे नहीं लगे, लेकिन समय, समय का अर्थ है जीवन, इस जीवन को संभाल के नहीं रखते। इसको कैसे व्यवस्थित करें, कब क्या क्या करें, कोई दिनचर्या नहीं है। संसार में इतने लोग हैं और भारत की मैं बात करूं तो उनमें से बहुत कम लोग होंगे जिनकी व्यवस्थित दिनचर्या होगी। जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको तो दिनचर्या व्यवस्थित इसलिए रखनी पड़ती है कि उन्हें जाना है 10 बजे कार्यालय, लेकिन उस दिनचर्या में स्वाध्याय के लिए कोई स्थान नहीं है, उपासना के लिए कोई स्थान नहीं है, टीवी देखने के लिए स्थान है, अखबार के लिए स्थान है, मनोरंजन दूसरे राजसी मनोरंजन के लिए स्थान है, लेकिन इनके लिए कोई स्थान नहीं। उनका समय अस्त व्यस्त है और बाकी बैठे बैठे गप्पी लगा रहे, ये नहीं देख रहे कि बैठे बैठे आयु कम कर रहे हैं, तो उसका उपयोग तो कर लें, आयु तो कोई छीन लेगा हमसे। अगर हम पुस्तकालय से कोई पुस्तक लाए 15 दिन के लाए, 15 दिन बाद पुस्तकालय अध्यक्ष ले लेगा तो क्या करना, पुस्तक को इधर उधर पड़े रखना, उसको पढ़ना, उसको उपयोग करना। तो जब तक के लिए परमात्मा ने जीवन दिया, हम सोचे कि क्या हम इस जीवन का उपयोग कर रहे हैं, नहीं उपयोग कर रहे तो उसके लिए वेद भगवान ने कहा कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीवशेत क्षतम समा, कर्म करते हुए, शुभ कर्म करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। इसका अर्थ अर्थापत्ति एक होता है, अर्थापत्ति, अर्थापत्ति से इसका क्या अर्थ बनता है, अर्थात जो कर्म नहीं करना चाहता उसे जीने का अधिकार नहीं, जो शुभ कर्म नहीं करना चाहता उसे जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब तक जिएगा जब तक बेकार के काम करे, खाली मन शैतान का घर, इस मन को व्यस्त रखो। किस में व्यस्त रखें, शुभ कार्य करने, अच्छे अध्ययन में, अच्छे कार्य में, अच्छा अध्यापन में, अच्छा विचार मनन करने में। आप ये पूछ रहे पुस्तकों के नाम, जिसको जीवन और सृष्टि की सच्चाई समझनी है उनके लिए सबसे पहले मैं कहूंगा अपनी बुद्धि को पवित्र और निष्पक्ष बनाए। पहले तो
क्योंकि जिसको पढ़ेंगे अपने चश्मे से ना पढ़ें, उसको अपने चश्मे से पढ़ेंगे तो कोई पुस्तक कड़वी लग सकती है। और एक कड़वी लगने वाली पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, उसे पढ़ें, निष्पक्ष भावना से पढ़ें, अपने पूर्वाग्रह छोड़ के पढ़ें। महर्षि दयानंद का ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ें, आर्याभिविनय पढ़ें और योग दर्शन पढ़ें, महर्षि व्यास जी का भाष्य, सांख्य दर्शन पढ़ें और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी की मनुस्मृति का भाष्य पढ़ें। मनुस्मृति में बहुत मिलावट है। संसार को सुखी करने के लिए, अपने धर्म और कर्तव्यों को अच्छी तरह पहचान करने के लिए, चाहे वो गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, राजा है या प्रजा है, आचार्य या शिष्य है, व्यापारी है अथवा किसान है, सबके लिए एकमात्र ग्रंथ है मनुस्मृति। लेकिन मनुस्मृति में आधे से अधिक मिलावट है, वो बहुत घातक है, उसने भारत को तोड़ दिया, समाज को छिन्न भिन्न किया। इसलिए विशुद्ध मनुस्मृति नाम से भी मिलती है, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट दिल्ली से, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी का भाष्य, उसे पढ़े। ब्रह्मचर्य के लिए कुछ पुस्तकें बता दूं, क्योंकि मैंने कहा आयुर्वेद का मैं विद्यार्थी नहीं रहा, इसलिए ब्रह्मचर्य के विषय में पढ़ना चाहें तो झज्जर से प्रकाशित ब्रह्मचर्य के साधन 11 भागों में, शायद वो एक जिल्द में भी मिलते हैं। एक ब्रह्मचर्य संदेश डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार, अजय कुमार विजय कुमार गोविंदराम हासानंद, इस नाम की एक फर्म है दिल्ली में, नई सड़क, वहां मिल जाएगी, नेट पर देख सकते हैं ब्रह्मचर्य संदेश। उनके और भी पुस्तक मिल जाएंगी, ब्रह्मचारी जीवन है स्वामी शिवानंद जी, और ऋषिदेव.com से भी मिल जाएगी। ऋषिदेव क्या नाम है, वेदऋषि.com। तो ब्रह्मचारी जीवन है, ब्रह्मचर्य संदेश, ब्रह्मचर्य के साधन, तीन पर्याप्त, बाकी सत्यार्थ प्रकाश पढ़े। इनको पढ़ेंगे, ऐसा नहीं अपनी पढ़ाई छोड़ के नहीं पढ़ने लग जाए। अपनी पढ़ाई में अगर आप पीछे रहते हैं तो मेरी बातों का कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। मैं चाहता हूं हर व्यक्ति छात्र छात्रा बहुत आगे बढ़े, लेकिन मैं जानता हूं कि वो बहुत समय खराब करते हैं गलत बातों में, उनको सही बातों के लिए आधा घंटा निकाले, गलत बातों का समय बचावे, सही बातों में जोड़े तो उनका जीवन बनेगा, अपनी पढ़ाई में भी आगे रहेंगे। तो आज श्रम समाप्त होता है। सभी इंद्रियों को हम आत्मा स्वयं को आत्मा बन करके उन पर शासन करने का प्रयास करें। इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे तो मन की तरफ जाएंगे, मन को नियंत्रित करेंगे तो आत्मा की तरफ जाएंगे, और आत्मा फिर परमात्मा का। मैं कोई योगी नहीं हूं, मैं ये कहूं कि मैंने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, आत्मा का कर लिया, मैं नहीं कह सकता, मेरा कोई दावा नहीं। हाँ, किशोरावस्था में अच्छा अनुभव होता था ये कह सकता हूं, तो स्वास्थ्य आदि कई कारणों के कारण मैं स्वयं जितनी साधना करनी चाहिए मैं नहीं कर पाता। साधना के लिए 3 घंटा होना चाहिए लगातार तो अच्छा रहता है, पर फिर भी ऋषि आनंद का एक एक घंटा, न्यून से न्यून एक एक घंटा उपासना करें। एक बात और है कि केवल उपासना में ईश्वर का अनुभव होता है तो भी तो उपासना ठीक नहीं, इसका अर्थ उपासना का फल जब ही माना जाएगा, हमें प्रत्येक कार्य करते समय ईश्वर का अनुभव होता है। मैं जब साचौर में था तो रविवार के दिन पेड़ के नीचे खाद डाल के सो जाता था, लेट जाता था और पेड़ की पत्तियों को ध्यान से देखता था, एक एक पत्ती को, और उन पत्तियों को देख करके मैं ऐसा हो जाता था कि मुझे पता ही नहीं रहता हम कहाँ लेट, और उन पत्तियों में मुझे ईश्वर का दर्शन होता था कि कैसे बनाई, इनकी क्या संरचना है। सृष्टि का हर कण कण, हर रचना जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, वे हमें ईश्वर का ही बोध कराती है,
और जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते बुद्धि से देख सकते हैं, जैसे एटम, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, बड़ी बड़ी गैलेक्सी, रश्मियां, इनको हम बुद्धि से देख सकते हैं। वे भी हमें ईश्वर का ही बोध कराते। इस बोध के लिए बुद्धि सात्विक होनी चाहिए। तामसी राजसी बुद्धि कुछ भी बोध नहीं करा सकती। तो उपासना उसी की उपासना है जो प्रतिक्षण ईश्वर का अनुभव करे, जिसके जीवन में समत्व होवे, हानि में, लाभ में, मान में, अपमान में, सुख में, दुख में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, जो समत्व होवे, जिसके अंदर उत्तेजित न होवे, उत्तेजना को रोकने का प्रयास करे, काम को, क्रोध को, ईर्ष्या को, अहंकार को, सब को रोकने का प्रयास करे, पर निंदा को, पर निंदा और आत्म प्रशंसा दो बड़ी बुरी चीज है। अगर मेरा किसी से विचार नहीं मिलता तो उसकी कोई निंदा कर रहा हो तो बहुत आनंद अच्छा लगता है, एक मन के अनुकूल लगता है, ऐसा होता है कि जिससे हमारे विचार नहीं मिलते उसकी कोई निंदा कर रहा है, गलत सही बात बता रहा है तो ठीक है, लेकिन निंदा कर सही बात बताना नहीं, सही बात बताना तो स्तुति कहलाती है, जैसे को वैसा कहना, लेकिन अंधे को अंधा कहना स्तुति नहीं, उसे भाव कहाँ है, उसे हित किसका है, जो सत्य की परिभाषा होता है, लेकिन यथार्थता कोई बता रहा है, हमें सजग कर रहा है तो स्तुति कर रहा है, वो निंदा नहीं। लेकिन कभी कभी निंदा कोई करता है तो हमें अच्छी लगती है, तो इसका अर्थ है कि हम उपासना ठीक ढंग से नहीं कर रहे। और अपना आदमी हो या हम खुद ही हो, अपनी प्रशंसा करे, नहीं अपने व्यक्ति की प्रशंसा करे, अपने परिवार की करे, अपने समाज, कथित जातियां हैं, अपना देश है, जो भी है अपना, जिससे हम अपना जोड़ संबंध जोड़े हैं, उसकी बुराई को भी हम बुराई न कहें, माने नहीं, इसका अर्थ है कि हम ठीक ढंग से उपासना नहीं कर रहे, हमें ईश्वर पर विश्वास नहीं, तो हमें इस पर नियंत्रण करना चाहिए। अपना और पराया या भूल करके जिसके जीवन में निष्पक्षता होती है, निष्प्रियता होती है, वही योगी है। ऋषि दयानंद कैसे थे, सबसे पहले अपनों का खंडन किया, जिनको वो अपना मान, अपना क्यों मानते थे, वो उस भूमि से प्यार करते थे, हिंदू लोग जिनको वो हिंदू नहीं कहते, आर्य कहते थे, वे इसी भूमि से प्यार करते थे जो ऋषियों की भूमि है, और कभी यह भूमि नहीं, सारी भूमंडल ही ऋषियों का रहा है, वो ये भी कहा करते थे। लेकिन किसान जब खेत की सिंचाई करता है तो एक एक क्यारी में पानी देता, एक साथ सब में नहीं दे सकता, तो पहले अपने निकटवर्ती क्यारी, ये भारत भूमि है, तो इनकी बुराइयों को साफ किया उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास। फिर उनसे थोड़ा सा अलग है जैन और बौद्ध जो वेद को नहीं मानते, फिर उनके लिए लिखा, उनकी बुराइयों को साफ करने का प्रयास किया। फिर उनसे दूर ईसाई मत, क्योंकि उन सब उनका शासन था, उनको ठीक किया। अंत में इस्लाम को ठीक करने का प्रयास किया। उनके जीवन में निष्पक्षता थी। आर्य समाज की स्थापना डॉक्टर रहीम खां की कोठी पर हुई थी लाहौर में, उनमें संप्रदायवाद होता तो वहां होती स्थापना, एक हिंदू थे उन्होंने निकाल दिया खंडन को देख करके, वहां जाके स्थापना की। निष्पक्षता, संप्रदाय, कथित जाति, जाति मनुष्य होती है, जातिवाद मनुष्य, जातिवाद रखें तो मनुष्यता, यह भी नहीं होना चाहिए, सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। जातिवाद करना है तो मनुष्य को मनुष्य समझ लो, लेकिन जो हिंसक हैं, क्रूर हैं, नृशंस हैं, वे मनुष्य नहीं है। मनुष्य शरीरधारी ही मनुष्य नहीं होता, मानवता के गुण भी होने चाहिए। वे अपनों में भी हो सकते हैं, पराये में भी हो सकते हैं, उसमें भी फिर पक्षपात नहीं आना चाहिए। तो जो पक्षपात नहीं करता, ऋषि दयानंद ने धर्म की परिभाषा में लिखा, पक्षपात रहित सत्याचरण अर्थात पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना है, वह धर्म है। पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना है, सबके हित के लिए करना है, वह धर्म है। तो सबका हितकारी हो, निष्पक्ष दृष्टि से देखता हो,
वही योगी है। सबके प्रति संवेदना रखता हो, सद्भावना रखता हो, वह योगी है। लेकिन ऐसा नहीं कि दुष्ट के अपराधों को दंड न देता हो, वो न दे तो दिलाए। राजा क्षत्रिय के योगी होने में और ब्राह्मण के योगी होने में एक अंतर है। ब्राह्मण को दंड देने का अधिकार नहीं, क्षत्रिय को दंड देने का अधिकार है। क्षत्रिय दंड नहीं देगा तो वो, इसका अर्थ वो योगी नहीं, प्रजा का पालन कैसे होगा। इसलिए योगी का व्यवहार बदलना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को आप देखें कि उसकी महिलाओं में आसक्ति है, महिला आदरणीय है, पूज्य है, ऋषि दान ने तो 4 साल की बच्ची के सामने भी सिर झुका दिया था कि मातृशक्ति है, महिलाओं के निंदक नहीं थे, पुजारी थे, पूज्य मानते थे, लेकिन दूरी मर्यादा। तो जो ये मर्यादा नहीं रखता हो, जो लोकैषणा वित्तैषणा से किसी न किसी प्रकार ग्रस्त हो, जो बात बात में उत्तेजित हो जाता हो, अपना परायापन रखता हो, वह उपासना ठीक ढंग से नहीं कर रहा होता। समत्वम योगमुच्यते, कृष्ण भगवान ने गीता में कहा समत्वम, समत्व ही योग है। भगवान पतंजलि ने कहा चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। निरुद्ध जब ही होंगे जब हमारे अंदर सात्विकता का भाव होगा, सात्विकता का प्रकाश होगा। और जब जिस दिन ये सात्विकता का प्रकाश होगा तभी हमारा मन शांत होगा, और शांत मन होगा उसी के बाद आत्मदर्शन होगा। जब तक मन अशांत है, मन अशांत है तो हमारी बुद्धि भी अशांत रहेगी, और बुद्धि विवेक युक्त नहीं हो। पढ़ने वाले के लिए भी मन शांत रहना आवश्यक है। मन में बहुत सारे उलझन हैं तो वो वैज्ञानिक नहीं बन सकता, गहराई से नहीं सोच पाएगा, एकाग्र नहीं हो पाएगा उसका मन। इस सब का मूल मंत्र इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण का मूल मंत्र शुद्ध खानपान, शुद्ध विचार, शुद्ध आचार, और इन सब का उपाय उपासन। आश्रित है वैसे, अगर उपासना नहीं करेगा तो उसको रजोगुणी तमोगुणी अच्छा लगेगा, और सात्विक नहीं खाएगा तो उसको उपासना में मन नहीं लगेगा। तो दोनों आश्रित हैं। काम बहुत कठिन है, लेकिन जिस दिन ऐसा हो जाए कि धरती के सभी लोगों में सत्व प्रधान हो जाए तो सभी बुद्धिमान हो जाएंगे, सभी सुखी होंगे, सभी में शांति होगी, कहीं आतंकवाद नहीं होगा, कहीं लूटमार नहीं होगी, कोई हिंसा नहीं होगी, कोई ठगी चोरी नहीं होगी, सभी प्रेम से रहेंगे। तब कहेंगे यह संसार की सम अवस्था है, संतुलित अवस्था है, सुख की अवस्था है, कल्याणकारिणी अवस्था है। ये भगवान शिव द्वारा निर्दिष्ट सम की व्याख्या समाप्त होती है। कल धर्म का अंतिम लक्षण लेंगे, वह है दान। दान करना भी धर्म का एक लक्षण भगवान शिव ने कहा।